Okay, in last class, we discussed a little bit about what we call color and थोड़ा सा उसके बारे में RGB और CMYK के ऊपर हमने थोड़ी सी बात की थी, ठीक है? ये color basically है क्या और थोड़ा सा ऐसा light की base पे हम बात की थी और last class में हमने जो है RGB और CMYK के ऊपर specifically बात की थी, ठीक है? अब इसके बाद हमने एक और चीज देखी रीड की थी थोड़ी सी अबाउट ह्यूमन परसेप्शन ऑफ कलर एंड हाउ एज अ ह्यूमन बीइंग वी सी द कलर्स. उसमें हमने रॉड्स और कॉन्स दो सेल मेम्ब्रेन्स के बारे में थोड़ा सा तस्करा किया था कि इंसान के अंदर बेसिकली इंसान की आईज के अंदर बेसिकली एक मेम्ब्रेन्स है रॉड्स एंड कॉन्स. रॉड्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर परसीविंग लाइट, कॉन्स इज बेसिकली परसीविंग कलर, ठीक है? रॉड्स एक ऐसा सेल मेम्ब्रेन में जब रोशनी गुजरती है तो वो रोशनी की इंटेंसिटी और रोशनी इटसेल्फ को कि भाई मेरे पास लाइट है वो मेम्ब्रेन उसको डिटेक्ट करता है और फिर वहां से लाइट गुजर कर जब उस पर ब्रेकअप होती है और कलर कॉन्स पे पहुंचती है तो कॉन्स उसमें से जो कलर्स इंफॉर्मेशन है वो रीड करता है, ठीक है? ये दो सेल मेम्ब्रेन हैं, एक में से लाइट गुजरती है, एक में से उसकी कलर इंफॉर्मेशन हमें मिलती है. यही चीज फिर हम आगे एक और कॉन्सेप्ट यूज करते हैं कलर गैमेट का. ओके, नाउ टेक्निकली वी से दैट देयर आर मिलियंस ऑफ कलर्स, ठीक है? और based on RGB combination alone, we can obtain millions of colors. However, a human being with its certain capabilities is only able to differentiate between a certain range of colors. ठीक है, इंसान की आंखों की सलाहियत बहुत जबरदस्त है, बहुत ज्यादा है, लेकिन उसके बावजूद भी वो तमाम के तमाम इंडिविजुअल कलर रेंजेस को आइडेंटिफाई करने की सलाहियत नहीं रखता, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल हमने कहा कि हमारे पास मिलियंस ऑफ कलर्स हैं. अगर मिलियंस कलर्स हैं तो उसका मतलब ये नहीं कि हम हर एक मिलियन कलर्स को आइडेंटिफाई कर सकें कि यार ये कलर वन और कलर टू या कलर वन और कलर फाइव के अंदर डिफरेंस है या कलर फाइव और कलर फिफ्टीन के अंदर डिफरेंस है. तो एट अ सर्टेन पॉइंट हमें ऑल कलर की जो शेड्स हैं वो बेसिकली सेम नजर आते हैं. इस प्रिंसिपल को कलर गैमेट कहा जाता है. दैट एट सर्टेन पॉइंट इंसान को सारे कलर्स सेम नजर आते हैं. एट अ सर्टेन पॉइंट इंसान सिर्फ एक विदिन अ रेंज देख सकता है, उसके बाद के जो सारे कलर्स हैं उसको लगेगा कि वो एग्जैक्टली सेम शेड्स के अंदर मौजूद है. ऑल्सो दिस हैविली डिपेंड्स ऑन द लाइट, ठीक? जैसे हमने पहले क्लास में भी जिक्र किया था कि यार कलर्स जो हम देखते हैं उसका बहुत बड़ा दारोमदार रोशनी के ऊपर है, ठीक है? ऑब्जेक्ट्स के ऊपर कलर हमें किस तरह से नजर आएंगे इसका बहुत बड़ा जो एस्पेक्ट डिपेंडेबिलिटी है वो आपके कलर के ऊपर है, लाइट के ऊपर, सॉरी, ठीक है? तो अक्सर हम प्रोडक्ट्स लेने जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप क्लोदिंग या बुटीक्स में जाएं यू वुड फाइंड देयर आर लॉट्स ऑफ लाइट्स अवेलेबल इनसाइड दोज रूम्स. वजह यही है ताकि जितनी ज्यादा रोशनी होगी उतने ही कलर्स आपको उभर के नजर आएंगे और शायद बेटर नजर आएंगे. वही चीज जब हम घर में जाके विद इन लिमिटेड लाइट रेंज में देखते हैं तो हमें अभी कलर फर्क महसूस होता है कि अब वो कलर इतना शोक उतना ब्राइट नजर नहीं आ रहा. इसी तरह से हम जब लाइट्स चेंज करते हैं तो कलर के ऊपर उसका इम्पैक्ट पड़ता है. मैंने लास्ट क्लास में भी एग्जांपल दिया था कि अगर मैं येलो लाइट लगा दूं रूम में या ब्लू लाइट लगा दूं तो व्हाइट वॉल भी होगी वो भी मुझे ब्लू शेड दे रही होगी, हालांकि कलर उसका व्हाइट है तो उसको व्हाइट नजर आना चाहिए, लेकिन बिकॉज इंसान परसीव कलर को लाइट की बेस पे ही करता है, ठीक है? ये ही चीज कलर गैमेट के अंदर आती है कि इंसान जब लाइट की बेस पे एक चीज करता है तो एक हद के बाद इंसान को उस कलर का डिफरेंस पता नहीं चलता भले लाइट कितनी भी वेरी करे ना करे. सो इस उस रेंज को उस एरिया को विच इज बेसिकली एबल टू डिटेक्ट विद इन वन रेंज उसको हम कलर गैमेट कहते हैं. दैट माय विजिबल रेंज इन अदर वर्ड्स कि इंसान कहां से कहां तक कलर को देख सकता है. सो फॉर एग्जाम्पल इसी इमेज के अंदर अगर मैं आपको दिखाऊं तो अगर ये एक कलर चार्ट हुआ, ठीक है, इट्स नॉट एन एक्यूरेट चार्ट और इट माइट नॉट बी 100% एक्यूरेट बट जस्ट अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पॉइंट दैट वी आर ट्राइंग टू मेक. दैट फॉर एग्जाम्पल दिस कंसिस्ट्स ऑफ मिलियंस ऑफ कलर्स. आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट टू अ ह्यूमन ये सारे कलर रेंज एक जैसा नजर आएगा. टेक्निकली इन टर्म्स ऑफ कैलकुलेशन ईच पिक्सल हैज अ डिफरेंट कलर हियर, ओके? हाउएवर इंसान को पूरा के पूरा एक सिंगल कलर का रेंज नजर आएगा बिकॉज इसके बाद की जो लाइट की वेवलेंथ है या लाइट की रेंज है हमारे हिसाब से ये सब एक चीज हो जाती है. रेड कलर है तो एट सर्टेन पॉइंट रेड के शेड्स है, उसके बाद के जितने भी शेड्स हैं हमें रेड ही नजर आएंगे, हालांकि इन टर्म्स ऑफ कैलकुलेशन इन टर्म्स ऑफ इट्स आरजीबी वैल्यूज ये डिफरेंशिएट करती जा रही है, लेकिन हमें फर्क नहीं, हमें वो ब्लैक रेड रेड ही लगेगा, ब्लैक ब्लैक ही लगेगा, व्हाइट व्हाइट ही लगेगा. तो ये वो एक मखसूस एक कैलकुलेटेड एरिया है
अब अगेन दिस ऑल्सो डिपेंड्स हेविली ऑन ह्यूमन टू ह्यूमन पर्सन टू पर्सन कि उनको कितने कलर्स वाइब्रेशंस नजर आ रही है नहीं आए. ये इटसेल्फ लाखों कलर्स हो जाते हैं. तो ऐसा नहीं है कि ये बहुत महदूद तादाद है, ये हजारों की तादाद में कलर्स की हम रेंज ऑलरेडी आइडेंटिफाई कर सकते हैं अगेन बेस्ड ऑन लाइट. तो फॉर एग्जाम्पल अगर ब्लैक ड्रेस है किसी के पहना हुआ तो हमें दूर से ब्लैक लगता है. फिर किसी और ने भी अगर एक थोड़ा सा डार्कर शेड ऑफ ब्लैक पहनकर आएगा तब हमें लगता है कि यार ये ज्यादा डार्क ब्लैक है, ये लाइट ब्लैक है. वरना अगर हम कंपेयर ना करें तो ये भी ब्लैक नजर आएगा, ये भी ब्लैक नजर आएगा. लेकिन जब दोनों कलर्स हम साथ रखते हैं तो अब सेम लाइटिंग के अंदर हमें पता चलता है कि देयर इज अ डिफरेंस इन कलर शेड हियर. ठीक, तो वो लाइटिंग के हिसाब से ये सारा पैटर्न होता है. दैट इज जस्ट अ स्मॉल प्रिंसिपल ऑफ कलर गैमेट. बेसिकली इसका मतलब ये कि उन मिलियंस ऑफ कलर्स में से इंसान सारे मिलियंस ऑफ कलर्स को आइडेंटिफाई इंडिविजुअली नहीं कर सकता. वो एक मखसूस तादाद, एक मखसूस रेंज के अंदर हम कलर्स आइडेंटिफाई करते हैं. उस रेंज के बाद जितने भी कलर्स होते हैं बेसिकली हमें वो सेम कलर शेड के नजर आ रहे होते हैं. इस प्रिंसिपल को इसीलिए भी थोड़ा सा हाईलाइट किया है यहाँ पे, बिकॉज इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर फिर आगे कंप्रेशन की जाती है. ठीक है, कंप्रेशन के अंदर क्या होता है, यही कि कलर जो डेटा है, बिकॉज इंसान ह्यूमन आई इज नॉट एबल टू परसीव एवरी सिंगल कलर शिफ्ट और कलर चेंज इन अ वेरी माइनर डिटेल ऑन अ डिजिटल स्क्रीन और इन अ पिक्चर. तो हम क्या कहते हैं कि वी डोंट नीड टू शो सो मेनी कलर रेंजेस. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने एक तस्वीर के अंदर 100 कलर रखे, लेकिन इंसान उसमें से सिर्फ प्रॉपरली आइडेंटिफाई कलर शेड्स का जो है वो 35 कलर्स को कर रहे हैं. इसका मतलब स्टिल देर आर 65 शेड्स जो कि मैं आइडेंटिफाई ही नहीं कर रहा कलर के. तो उन 65 को अलग से मेमोरी में रखकर मेमोरी अलोकेट करना, स्पेस देना इज पॉइंटलेस. ठीक है, क्योंकि हमारी एक मखसूस रेंज है कि हम इसमें से कलर शेड्स को आइडेंटिफाई कर रहे हैं. उसके बाद वो डिफरेंस इतना सबटिल हो जाता है कि हमें उसका महसूस नहीं होता. इसीलिए फिर उन बाकी के जो कलर रेंजेस उसे एक थोड़े से रेंज के बाहर जहाँ पे शिफ्ट बहुत ज्यादा नहीं है, माइनर से कलर शिफ्ट है, हम पूरे को ग्रुप करके कंप्रेस करके एक सिंगल कलर असाइन कर देते हैं. इससे क्या होता है, आपकी फाइल साइज सिस्टम में कंटेन होती है ताकि मेमोरी ज्यादा कंज्यूम ना हो, हार्ड डिस्क में स्पेस एलोकेट ना हो, प्रोसेसिंग टाइम आपका कम हो जाए, बिकॉज नाउ इट डजंट नीड टू कैलकुलेट कलर वैल्यू ऑफ एवरी सिंगल पिक्सल. इंस्टेड उसको एक ब्लॉक ऑफ कंप्रेशन आता है. तो ये कंप्रेशन के अंदर इस चीज का कॉन्सेप्ट आगे रखा गया कि यार क्योंकि हम लोग ज्यादा कलर रेंजेस को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, अगेन मिलियंस तक और हम लोग बहुत ज्यादा कर सकते हैं. ज्यादा से मकसद ये नहीं कि 20-25 ही हम आइडेंटिफाई करते हैं, लाखों कलर्स को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं. और क्योंकि कलर रेंज इटसेल्फ मिलियंस में जाती है तो फिर भी हमारे पास एक्स्ट्रा रेंज बहुत बढ़ जाती है जिसको हम बेस्ड ऑन सेम लाइटिंग कंडीशंस वुड नॉट बी एबल टू डिफरेंशिएट. ठीक है, तो ये एक कलर गैमेट का प्रिंसिपल है जो आगे फिर हम कंप्रेशन में इसी चीज का फायदा उठाते हैं. ठीक है, क्या क्योंकि मुझे 100 के 100 कलर्स फॉर एग्जांपल नजर नहीं आ रहे, मैं सिर्फ 30-35 देख रहा हूँ, तो बाकी के जो शेड्स हैं मैं एक्चुअली उनको ग्रुप करके कंप्रेस कर लेते हैं ताकि डेटा को सेव कर सकें, मेमोरी के हिसाब से, ट्रांसमिशन के हिसाब से, बैंडविड्थ के हिसाब से हमारे पास फाइल साइज रिड्यूस हो जाए. ठीक है, उसके बाद फिर एक और कॉन्सेप्ट आता है इसमें अल्फा चैनल्स का. आई थिंक मैंने शायद इसको डिस्कस किया था पहले भी, लेकिन अल्फा चैनल इज बेसिकली दैट एक्स्ट्रा बिट ऑफ इंफॉर्मेशन दैट टेक्निकली इज सेव्ड इन द 32-bit इमेज. जिससे पहले हमने 8-bit इमेज की बात की थी, 8-bit ग्रे स्केल, 8-bit कलर इमेज, हमने 24-bit इमेज की बात की थी, हमने 32-bit इमेज की बात की थी अगेन विद रिस्पेक्ट टू कलर. और हमने कहा था कि जब हम 32-bit इमेज पे काम करते हैं तो उसमें 24-bit हमारे पास जो है वो एग्जिस्ट करते हैं अगेन RGB कलर वैल्यूज के लिए. जो एक्स्ट्रा चौथा बाइट हमारे पास मिलता है वो चौथा बाइट एक्चुअली अल्फा चैनल के लिए इस्तेमाल होता है. ठीक, अब उसमें क्या सेव होता है, उसमें बेसिकली आपकी इमेज की ट्रांसपेरेंसी की इंफॉर्मेशन एज एन एडिशनल सोर्स सेव होती है. ये एक्स्ट्रा बाइट PNG फॉर्मेट भी यूज करता है, ये एक्स्ट्रा बाइट फॉर एग्जाम्पल PSD फाइल भी यूज करता है, ये एक्स्ट्रा बाइट जो है इलस्ट्रेटर की फाइल है तो वो भी यूज करती है इसको एक्स्ट्रा बाइट को उठा के. इसी तरह से डिपेंडिंग ऑन सॉफ्टवेयर डिपेंडेबिलिटीज दिस एक्स्ट्रा बाइट इज यूज्ड बाय वेरियस डिफरेंट एप्लीकेशंस. प्राइमरीली उसमें हम कहते हैं कि दिस एक्स्ट्रा बाइट इन अ 32-bit इमेज जिसमें 3 RGB के लिए रिजर्व हो जाते हैं टेक्निकली, और चौथा बाइट जो है वो अल्फा चैनल के लिए इस्तेमाल होता है. इस अल्फा चैनल के अंदर हम क्या सेव करते हैं, इस अल्फा चैनल के अंदर हम वो अल्फा इंफॉर्मेशन या जिसको टेक्निकली ट्रांसपेरेंसी भी कहा जाता है. ठीक है, इन अदर वर्ड्स सॉरी जनरल टर्म्स में ट्रांसपेरेंसी इंफॉर्मेशन कहा जाता है, टेक्निकली इसको अल्फा चैनल इंफॉर्मेशन कहा जाता है. अल्फा या ट्रांसपेरेंसी का मतलब ये कि वी सेव इंफॉर्मेशन एक्सप्लिसिटली कि इमेज आपकी जो है वो कहां पर आपको विजिबल नजर आनी चाहिए और बाकी का एरिया ट्रांसपेरेंट हो जाए. ठीक है, व्हेनेवर वी सेव एन इमेज इन आवर फॉर एग्जांपल पिक्चर, अगर ये मेरे पास एक तस्वीर है, ओके, सो इफ आई सेव दिस एज अ पिक्चर एंड बॉटल, व्हाट हैपेंस कि इट हैज अ बाय डिफॉल्ट वाइट बैकग्राउंड इन अ जेपीजी, ओके, इन अ गिफ उसमें पिक्सेल कलर इंफॉर्मेशन असाइन नहीं होता. सो इफ इट इज अ गिफ इट वुड नॉट हैव अ कलर इंफॉर्मेशन. ओके,
लेकिन 32-bit image के अंदर क्या होता है कि हमें explicitly save करते हैं कि जहां पे ये bottle मौजूद है उसको white कर दिया जाता है और बाकी का जो area है उसको black कर दिया जाता है। ये एक extra color information आपकी file के अंदर save की जाता है, ठीक है। Again, alpha channel का basic मतलब ये होता है कि आपकी file के अंदर extra एक byte मिलता है, उस extra byte के अंदर आपके पास एक additional information save की जाती है जिसमें हम ये data रखते हैं कि आपका जो इमेज है वो कहाँ पे ट्रांसपेरेंट होगा और कहाँ पे नजर आना चाहिए, ठीक। तो जहां पे वो डेटा नजर आएगा वहां पे हम उसको व्हाइट कर देते हैं, बाकी उसके जो एरिया ट्रांसपेरेंट रखना उसको हम ब्लैक कर देते हैं, जस्ट लाइक शोन इन दिस इमेज। ओके, तो अगर मुझे बॉल का एरिया और उसके इर्द गिर्द का एरिया ट्रांसपेरेंट करना है तो इसके इर्द गिर्द के एरिया को मैंने जितना भी एरिया होगा उसको सेलेक्ट करूंगा, सबको ब्लैक कलर असाइन कर दूंगा, जहां पे बॉल रखना उसको व्हाइट कर दिया। इवन बॉल के दरमियान में भी हमें लाइंस क्रिएट करनी है तो हमने उसको ब्लैक कर दिया। ये एक अल्फा मास्क कहलाता है। दिस इज नोन एज एन अल्फा मास्क। दिस इज एन एडिशनल ब्लैक एंड व्हाइट इमेज, ठीक है। सिंपल टू कलर टोन में हम इसको 32 एक्स्ट्रा बिट के अंदर सेव करते हैं। इसमें ब्लैक एरिया इंडिकेट्स कि योर इमेज एरिया बिकम्स ट्रांसपेरेंट, व्हाइट एरिया बिकम्स योर इमेज एरिया बिकम्स ओपेक और विजिबल। ओके, ये इन्फॉर्मेशन आपकी जैसे मैंने कहा फोटोशॉप हो गया उसमें सेव होती है, पीएनजी इमेज इसको भी अक्सर सेव करने की सलाहियत रखता है, इलस्ट्रेटर हो गया या एक्स्ट्रा ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं जो कि एडिशनल 32-bit इमेज पे काम करते हैं वो इन फाइल को रखते हैं। उसमें टारगा एक फॉर्मेट आता है, टिफ एक फॉर्मेट आता है, TGA for Targa, TIAFF for TIFF, tagged image file format. तो वो different file formats है, वो भी इस 32-bit image के ऊपर काम करते हैं, ठीक है। उसके बाद color lookup table या color palettes की हमने बात की थी पहले भी with 8-bit color images. Okay. Now what happens with an 8-bit color image is that when we save an image in an 8-bit color image, तो हमने जिक्र किया था कि हम उसको एक simple color lookup table बनाते हैं, okay? एक सेकेंड। ओके, तो कलर लुकअप टेबल बेसिकली क्या होता है कि एक सिंपल पैलेट होती है और इसको हम अक्सर एप्लीकेशंस के अंदर रिक्रिएट भी कर सकते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल फोटोशॉप में उसको व्यू भी कर सकते हैं। इट कंटेन्स 256 यूनिक डिस्टिंक्ट कलर्स। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये कलर लुकअप टेबल आ रही है, पहली चीज इन टर्म्स ऑफ पिक्सल, दिस मींस कि दिस इज वन पिक्सल, इट हैज अ वन कलर, दिस इज सेकंड कलर, दिस इज थर्ड कलर, दिस इज फोर्थ कलर, एंड दिस इज अ वेरिएशन ऑफ येलो शेड्स, और फिर यहाँ पे शेड्स वेरियस के थोड़े से और कलर वेरी होते जा रहे हैं, ठीक है। और ये 256 कलर पैलेट एक कंप्लीट बनती है, इसमें तादाद स्टार्टिंग फ्रॉम 0 to 255 इंडेक्स, मींस यहाँ पे हमारे पास डिस्टिंक्टिव 256 मखसूस कलर्स मौजूद है। इसको कलर लुकअप टेबल कहा जाता है या कलर पैलेट, इस सेंस में कि ये पूरे आपके सामने नजर आ रहा है। बैकएंड पे इसको हम कलर लुकअप टेबल भी कहते हैं कि वो एक टेबल फॉर्म में डेटा इसका सेव होता है, एक इंडेक्स नंबर के फॉर एग्जांपल 0 इंडेक्स उस पे कौन सा आरजीबी कलर, 1 इंडेक्स उस पे कौन सा आरजीबी कलर, 2 इंडेक्स उस पे कौन सा आरजीबी कलर, इंफॉर्मेशन। इस तरह से पूरी 255 इंडेक्सेस हमारे पास होती है, हर इंडेक्स के पीछे आरजीबी कलर वैल्यू मैप की होती है। This basically becomes a color lookup table on a visual windows के ऊपर ये जब नजर आता है तो इस फॉर्म में नजर आ रही होती है। इसको या क्रिएट जब हम करते हैं जिस तरह से क्रिएट कर सकते हैं, इसको विंडोज के अंदर या सॉफ्टवेयर के हिसाब से पैलेट लव्स यूज किया गया, ठीक है। बैकएंड पे इसको कलर लुकअप टेबल भी कहा गया है, इन फॉर्म ऑफ 8-bit images या GIF image के अंदर ये चीज सेव होती है। जनरल विंडोज के टर्म में अक्सर हम इसको जब कलर या सॉफ्टवेयर के हिसाब से बात करते हैं तो हम इसको कलर पैलेट कहते हैं कि मेरे पास कलर पैलेट क्या है। In other words, एक पूरी टेबल है, इसमें सिर्फ आपको कलर्स टेक्निकली नजर आ रहा है। Now, like I have said, के each of these palette is basically different with respect to your image. तो जो इमेज आप यूज कर रहे हो उसके हिसाब से इसके अंदर कलर्स की वेरायटी आपको ज्यादा मिलेगी। In this case, you can see there's a lots of variety of yellowish, pinkish, bluish and greenish kind of a shades की ज्यादा है क्योंकि उसमें यूज हो रहे हैं। इसी तरह से यहाँ पे completely उसके शेड्स थोड़े से वेरी हो गए, डिफरेंट हो गए। Then this is another palette जिसके अंदर हमें येलो और थोड़ा सा ग्रीन की शेड्स ज्यादा मैक्सिमम नजर आ रहे हैं with light pink and बहुत कम blue, okay? तो ये different palettes हमारे पास basically, in other words, बनी हुई हैं। ये चीज हमने 8-bit image के अंदर create की थी और उसके ऊपर discuss किया था। Now इसके कुछ issues हैं, again I will just skip this very quickly, coming back to history of colors, ठीक है? यहाँ पे section 1 एक color के थोड़ा basic introduction जो था, basic section चीज हमारे पास complete हुई। इसके बाद एक और जनरल नॉलेज का ये सेशन है। यूजुअली ये सेशन में एग्जाम में इंक्लूड नहीं करता, सो दिस इज जस्ट लाइक अ लिटिल बिट ऑफ अ जनरल नॉलेज काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन, दैट लिटिल हिस्ट्री ऑफ कलर्स, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा क्विकली आई विल ट्राई टू गो थ्रू इट।
क्योंकि इट्स जस्ट इट्स मोर ऑफ एज अ जनरल नॉलेज दैट वी शुड बी अवेयर ऑफ सम कलर डेटा रादर देन एक्चुअली गोइंग इनटू टेक्निकल एस्पेक्ट्स. तो यहां तक थोड़ा सा इनिशियल एक कलर का बैकग्राउंड था. इस नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर नाउ वी कम टू द हिस्ट्री ऑफ बेसिक कलर्स. नाउ व्हाट डू वी बेसिकली मीन बाय हिस्ट्री ऑफ कलर्स. बेसिकली हिस्ट्री ऑफ कलर्स मीन्स के कलर्स की जो एग्जिस्टेंस है वो अभी की नहीं है, या डिजिटली हम अक्सर क्योंकि काम करते हैं हमें लगता है कि हम डिजिट कलर्स की जो एनहांसमेंट है डेवलपमेंट है वो डिजिटल वर्ल्ड के साथ ही स्टार्ट किए. हाउएवर कलर इज एंड हैज बीन यूज्ड सिंस डेकेड्स, सिंस सेंचुरीज ओल्ड. कलर की इंफॉर्मेशन बहुत हद तक और कलर का इस्तेमाल जो है मुख्तलिफ तस्वीर पेंट करने के लिए, बिल्डिंग्स बनाने के लिए, इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करने के लिए सदियों से इस्तेमाल होता हुआ आ रहा है. ठीक है, और हर कलर जो है वहां पे स्पेसिफिकली जो बात हम कहना चाह रहे हैं कि एवरी कलर और द कलर इटसेल्फ हैज अ स्पेसिफिक डेटा विद इन इटसेल्फ. द कलर इटसेल्फ इज बीइंग यूज्ड टू रिप्रेजेंट इंफॉर्मेशन. ओके, दैट इंफॉर्मेशन कैन बी एनीथिंग फ्रॉम इफ यू टेक इजिप्शियन एरा, वहां पे भी कलर जो था वो हमेशा से अगेन सदियों से उसमें यूज होता रहा है. उसको कलर को स्पेसिफिकली रिलीजन के तौर पर एक कॉन्सेप्चुअली इसको जो था स्पिरिचुअली इस्तेमाल किया गया. सो फॉर एग्जाम्पल यू वुड फाइंड द यूज ऑफ गोल्ड कलर एक्सटेंसिवली बींग डन इन इजिप्शियन एरा टू रिप्रेजेंट द हाई पावर्स. फिर उनके जो मेडन्स या मेड्स जिसपे काम उनके साथ जो नौकर जो होते थे उनको फिर स्पेसिफिकली व्हाइट कलर के साथ रिप्रेजेंट किया गया. इसी तरह से उनकी पेंटिंग्स में, उनके स्कल्पचर्स में बहुत हद तक हमें ये इंफॉर्मेशन जो है वो मिलती है कि दे हैव यूज्ड गोल्ड कलर एज अ स्पेसिफिकली साइन ऑफ पावर. एक उनकी वजह ये भी थे कि वो सूरज की क्या कहते हैं इबादत करते थे, तो इस वजह से भी किसी कुछ उसमें एरा था जिसमें वो चांद की इबादत करते थे, तो इस वजह से वो फिर अपनी पेंटिंग्स में वो व्हाइट कलर का इस्तेमाल उन्होंने या उन कैरेक्टर्स को व्हाइट कलर का इस्तेमाल ज्यादा दिखाया. इसी तरह से एशियन क्रीट अगेन अनदर सिविलाइजेशन है, दे हैव यूज्ड अ ह्यूज अमाउंट ऑफ कलर्स एज वेल, स्पेसिफिकली वेरी ब्राइट वेरी ब्लू टू रिप्रेजेंट लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन within their paintings, within their objects, even wall paintings, दीवारों को कलर करना, ये information हमारे पास continuously history के अंदर मिल रही है. ठीक है, रोम चले जाएं, ग्रीस चले जाएं, आप हर जगह हमें ऑब्जेक्ट्स, स्टैचूज, वॉल पेंटिंग्स, कमरों को, दीवारों को, मग्स हो गए, पोट्री हो गई, वहां पे कलर्स का इस्तेमाल बहुत ज्यादा देखा गया है जिसके तहत इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज किया गया. यहाँ से कम्प्लीटली हमें एक बड़ा एक एस्पेक्ट मिलता रहा है कि आप किसी भी सिविलाइजेशन में जाएं तो मुख्तलिफ तर्ज पे कलर्स का इस्तेमाल लाजमी किया गया, बहुत एक्सटेंसिवली किया गया. तीसरी जो चीज थी कि कलर को उन्होंने स्पेसिफिकली डेटा के तर्ज पर इस्तेमाल किया. ठीक है, कलर का सिर्फ इस वजह से इस्तेमाल नहीं है कि यार मुझे ब्लू कलर अच्छा लग रहा तो मैंने ब्लू कलर का इस्तेमाल कर दिया, ग्रीन कलर मुझे अच्छा लग रहा तो मैंने ग्रीन कलर का इस्तेमाल कर दिया, बल्कि इस तर्ज पे काम इस्तेमाल किया है कि ब्लू कलर से जो इंफॉर्मेशन, जो डेटा, जो मुझे समझो एक वैल्यूज मिलती हैं, मैं उस तहत उसको इस्तेमाल कर रहा हूं. जैसे कि जब भी हम बहुत ज्यादा ब्लू देखते हैं तो हमें आसमान का एक तस्करा जहन में आता है, समंदर का जहन में आता है. ठीक है, ये डेटा कहलाता है. जब मैं रेड कलर देखता हूं तो हमें खतरा नजर आता है, डेंजर नजर आता है, समटाइम्स पावर को भी शो करता है, ये डेटा कहलाता है. इसी तरह से अगर मुझे ब्राउन गोल्ड कलर यूज आता है तो गोल्ड हमारे में हमेशा एक प्रेस्टीजियस, एक ऑनर और एक ताकत को शो करता है. ठीक है, एक हाई मॉडलिटी, कि भाई मैं बहुत बड़ा कोई बंदा हूँ गोल्ड कलर के हिसाब से, तो ये डेटा कहलाता है. दिस इज व्हाट वी बेसिकली मीन कि इन पूरे इजिप्शियन दौर के अंदर हमें इन कलर का इस्तेमाल स्पेसिफिकली इसी तर्ज पे नजर आया कि जहां पे उन्होंने गोल्ड कलर यूज किया है तो अपने हाई प्रोफाइल्स, हाई बंदे जो उनके क्या कहते हैं उनके जो लीडर्स थे, उनके जो प्रेस्टीजियस रिलीजियस कॉन्सेप्ट्स थे उनको उन्होंने गोल्ड से रिप्रेजेंट किया. फिर रूम्स में, एनवायरमेंट्स में उसको बड़ा एक कूलनेस, कामनेस देने के लिए उन्होंने ब्लू और ग्रीन कलर का इस्तेमाल किया. ये चीजें हमें कलर से मिली, वहां से हमने इंफॉर्मेशन निकाली यार कलर का इस्तेमाल सिर्फ पसंदीदगी के हवाले से नहीं है, कलर का इस्तेमाल इनफैक्ट आपके डेटा के हिसाब से कि आप किस एनवायरमेंट को सिमुलेट करना चाह रहे हैं. अगर आप एक समंदर दिखाना चाह रहे हैं, ठीक है, तो आपको ब्लू का इस्तेमाल करना पड़ेगा और ब्लू से हमें फिर जो फीलिंग्स, कॉन्सेप्ट्स, डेटा मिलता है वो कंप्लीट डिफरेंट है. फॉर एग्जांपल अक्सर लोग डिप्रेशन का शिकार होता है, ठीक है, या थोड़ा सा मेंटल इंस्टेबिलिटी में आ जाता है, स्ट्रेस आ जाता है, तो अक्सर उनको कहा जाता है कि यार हिल साइड पे जाओ. ठीक है, हिल साइड पे जाओ, हिली एरियाज पे चले जाए, आउटस्टेशन चले जाए. वजह यह कि जब आप हिल साइड पे जाते हो तो वहां पे लॉट्स ऑफ ग्रीनरी होती है, वहां बड़ा एक
टेम्परेचर भी थोड़ा सा कूल होता है, टेक्निकली शुड बी ऑन अ हाई एरिया, मौसम भी ठंडा होता है, आपकी तबीयत ठंडी होती है, और बिकॉज यू सी अ लॉट ऑफ ग्रीन एरियाज अराउंड यू, तो उस ग्रीन एरिया का मेंटली आपके जहन पे ना एक सूदिंग सा इफेक्ट मिलता है। हम अक्सर लॉन्स और पार्क्स में बैठते हैं, घर के अंदर भी हम कोशिश करते हैं कि लॉन दरख्त रखे जाएं, सिर्फ हरियाली के हिसाब से नहीं, वजह यह है कि वो ग्रीनरी जो है जब हम उनको देखते हैं तो वो ग्रीन इटसेल्फ गिव्स अ वेरी सूदिंग इफेक्ट ऑन अवर माइंड। वो कलर देखने से भी हमारे ब्रेन में स्पेसिफिक एड्रेनालिन रश होता है, एक केमिकल्स रिलीज होते हैं जो ब्रेन को स्मूथ करते हैं, रिलैक्स करते हैं, थोड़ा सा डिप्रेशन कम करते हैं। अक्सर औकात लोग कहते हैं कि भाई अगर आप के ऊपर जो है फॉर एग्जांपल डिप्रेशन है, सुबह सवेरे लॉन में वॉक करो बगैर चप्पल के, या आंखों को आपको तेज करना है तो बगैर चप्पल के लॉन में वॉक करो सुबह सवेरे। वजह यह कि मॉर्निंग का एक अपना फीलिंग है, उसमें टेम्परेचर आपका बहुत कम हो जाता है नॉर्मल, ना गर्मी नॉइंग नहीं होती। दूसरा फिर वो जो लॉन या ग्रीनरी में जब आप वॉक करते हो ना, तो वो ग्रीन कलर आपके जहन पे बड़ा एक सूदिंग सा, एक बड़ा पीस वाला इफेक्ट देता है। यहां से फिर जो चीज हम ड्राइव करते हैं कि यार अगेन ग्रीन कलर हुआ या ब्लू कलर हुआ या रेड कलर हुआ या येलो कलर हुआ, ईच ऑफ दीज कलर्स टेक्निकली रिप्रेजेंट डेटा, ईच ऑफ दीज कलर्स आर बेस्ड ऑन डेटा, ठीक है। जिसका मतलब यह है कि अगर हम कलर किसी चीज में इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमें सिर्फ पसंदगी के हवाले से कि मुझे चीज अच्छी लग रही है, ये मेरा फेवरेट कलर है, मैं हर जगह ये यूज करूं, वो नहीं। हमें इस चीज का ख्याल रखना है कि एवरी कलर हैज अ स्पेसिफिक अंडरस्टैंडिंग, एवरी कलर हैज अ स्पेसिफिक मीनिंग। यही चीज फॉर एग्जांपल हम अगर क्रिश्चियनिटी में जाएं तो हमें एक स्पेसिफिक कलर थीम्स नजर आती हैं टू रिप्रेजेंट देयर डेटा। इसी तरह से इस्लामिक में आ जाएं तो हमें स्पेसिफिक कलर्स की कॉम्बिनेशंस नजर आती हैं दैट वी यूज दैट कलर इंफॉर्मेशन फॉर स्पेसिफिक डेटा। अगर हम मॉल एरिया में चले जाएं तो वहां पर भी सेम कॉन्सेप्ट के द यूज ऑफ कलर has been extensively adopted and implemented to represent data, to represent information, to represent some moral values, ethical values and the religious values. So colors ke through, sirf colors ke through, hum bahut had tak data ko represent karte hain. Yahi cheez phir hamare paas aage continue hoti hai. Isi cheez, isi history ki base pe, phir hum ek concept pe pahunche hain, ke yaar, what is the purpose of using colors? Why we should use colors more accurately as a graphics designer? Colors को इस्तेमाल करने का क्या मकसद है, क्यों यूज करना चाहिए और कहां पे किस कलर को इस्तेमाल करना चाहिए? This is basically now coming back to the main topic that why we should use specific colors and where we should use specific colors because each color has a specific data. ठीक है, now for example red, okay, now for example हमारे पास एक red color आ जाता है. We all are aware of this color red. Now, what does this red color define? Or what does this red color mean to us? Basically, we know that red color represents a high voltage. It gives us the feeling that I am available. Only you can see me. For example, I will tease you. Don't touch me. You see, these are, for example, those data, those feelings that you can portray through a red color. Similarly, red color represents fire, red color represents blood, red color represents energy, red color represents war, red color represents danger. जब भी हम स्ट्रीट लाइट्स पे जाते हैं तो हमेशा स्ट्रीट लाइट रेड का मतलब स्टॉप की क्यों होता है, खतरे की निशानी है तो लाल कलर के क्यों ही आता है हमारे पास? ब्लड है, फायर है, एनर्जी है, जंग है, तो लाल 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 कलर ही हमेशा एक उन नेगेटिव एस्पेक्ट के अंदर क्यों इस्तेमाल होता है? बिकॉज दिस कलर हैज दैट डेटा। यही चीज हिस्ट्री से हमें कंटिन्यूसली आई है कि जब इंसान लाल कलर को देखता है तो उसके अंदर ये फीलिंग्स, ये इंफॉर्मेशन, इस तरह का एक नॉस्टैल्जिक कॉन्सेप्ट क्रिएट होता है। अगेन रिमेम्बर, कुदरत ने कोई भी चीज बेमायने क्रिएट नहीं की, ठीक है, हर चीज का एक मखसूस पर्पस, एक मखसूस काम अल्लाह ताला ने दिया हुआ है। उसी वजह से जो रंगों का इस्तेमाल है उसका भी एक मखसूस काम है, मखसूस डेटा है। As a graphics designer, as a professional graphics artist, this is something that you need to be very, very well aware of. कौन सी जगह पे क्या कलर इस्तेमाल करना चाहिए? Again, मैं examples देता हूँ. For example, बेकरी का लोगो, ठीक है, हमने लास्ट क्लास में एक बेकरी का लोगो बनाया था फोटोशॉप के अंदर, उसके ऊपर मैंने आगे भी और कुछ ट्यूटोरियल्स में अपलोड कर रहा हूँ। A bakery basically is supposed to represent a bakery item, a cookery item, और उसमें एक थोड़ा सा food का healthy हमें concept आना चाहिए। वहाँ का अगर मुझे logo बनाना है तो उसमें अगर मैंने अब red color use किया,
मुझे रेड बहुत अच्छा लगता है, मैंने रेड यूज करना चाहा, मैंने उसके बेकरी आइटम्स को, उसके लोगो को, उसके इर्द गिर्द के शेप्स को, टेक्स्ट को प्योर रेड कर दे दिया कलर, तो कॉन्सेप्ट क्या मिलेगा कि रेड बिकॉज रिप्रेजेंट्स वॉर, डेंजर, एनर्जी, और बेकरी का एक टोटली ऑपोजिट कॉन्सेप्ट हुआ। तो यहाँ पे एक मेजर डेटा मिसमैच हो गया। एज अ प्रोफेशनल आर्टिस्ट अगर आप इस लोगों को आगे कैरी करोगे, या एक तरफ आप बेकरी की बता रहे हो जिसके अंदर हम फूड, हेल्दी खाना और एक एक ना एक लाइफ की एसेंस हमें मिलती है, दूसरी तरफ हम उसको कलर जो दे रहे हैं वो लाल, डेंजर, एंग्री, पैशन, वॉर का, कॉन्सेप्ट मिसमैच हो गया। सो दिस इज व्हाट वी नीड टू बी अवेयर ऑफ, इफ आई एम क्रिएटिंग अ लोगो फॉर अ बेकरी, दिस इज व्हाट आई नीड टू बी अवेयर ऑफ। सिमिलरली रेड कलर डज रिप्रेजेंट पैशन, डिजायर, लव, एंगर। तो अब मुझे फॉर एग्जाम्पल कहीं पे इस तरह का कोई दिखाना है लोगो, जहां पे मुझे कोई ताकत का निशानी दिखानी है, फॉर एग्जाम्पल मिलिट्री का लोगो बनाना है, या मुझे कोई सिक्योरिटी गार्ड का लोगो बनाना है, देन आई कैन यूज दिस काइंड ऑफ कलर, ठीक है, जहां पे मैं थोड़ा सा पावर, ताकत, डेंजर को दिखा सकूं। लेकिन इन जनरल सेंस मुझे ये अच्छा नहीं लगेगा। इवन फॉर स्कूल्स, इफ आई एम क्रिएटिंग अ लोगो फॉर अ स्कूल, तो वहां पे भी रेड का बहुत ज्यादा इस्तेमाल विल गिव मी अ नेगेटिव इम्पैक्ट। Got it? तो इस वजह से this is what we mean by using the colors intelligently as a graphic designer. If you are designing a logo for example for a boutique, maybe वहाँ पे मैं red color का थोड़ा सा aspect डाल दूँ, लेकिन फिर भी मुझे थोड़ा सा careful लेना पड़ेगा कि what kind of information I am trying to portray through my logo. ठीक है, तो colors का इस्तेमाल बहुत अहम, बहुत जरूरी होता है as a graphic designer for whatever product you are designing. And for that, this is what this topic entails. ठीक है, तो आगे की बात भी इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर है, वेरी क्विकली इसको थोड़ा सा कैजुअल गुजर करते हैं। ठीक है, इसी तरह से लाइट रेड आ गया हमारे पास। नाउ लाइट रेड इज अगेन रिप्रेजेंट्स जॉय, पैशन, सेंसिटिविटी, लव। अब सडनली फ्रॉम अ प्योर रेड टू अ लाइट रेड, नॉट पिंक, लाइट रेड, इट बिकम्स अ वेरी पॉजिटिव कलर। इसको हम कहते हैं नेगेटिव कलर। नेगेटिव कलर का मतलब ये कि जब हम इसको देखते हैं ना, तो मुझे नेगेटिव सी फीलिंग्स आती हैं, एंग्री, फायर, ब्लड, डिप्रेशन, इस टाइप की। पॉजिटिव कलर जिसमें मुझे जॉय, खुशी, देखने से जरा रिलैक्स मिले। तो दिस इज वेयर वी नीड टू बैलेंस अवर कॉन्सेप्ट इन टर्म्स ऑफ ग्राफिक्स, दैट वेदर वी आर यूजिंग नेगेटिव कलर्स अ लॉट और अ पॉजिटिव कलर्स अ लॉट। मैं रेड कहीं यूज कर सकता हूँ अच्छी जगहों पे बेकरी के अंदर, लेकिन उसका इस्तेमाल की तादाद डिपेंड करती है कि मैं पूरा का पूरा रेड बना रहा हूँ या एक आधा बॉर्डर जो था मैं थोड़ा रेड का दे दिया, तो वो ठीक। तो मुझे उसके पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट्स को बैलेंस करना है। तो अब आगे की जो कलर कॉन्सेप्ट बात हम करते हैं वो फिर इसी दायरे के अंदर, इसी स्केल के ऊपर, वेदर वी आर यूजिंग टू मच ऑफ अ नेगेटिव कलर्स और वेदर वी आर यूजिंग टू मच ऑफ अ पॉजिटिव कलर्स। तो रेड इज बेसिकली अ नेगेटिव कलर, लाइट रेड बिकम्स अ पॉजिटिव कलर। तो अब मुझे अगर कहीं पे वही चीज कि मैं स्कूल का लोगो बना रहा हूं, आई कैन यूज अ रेड, बट आई हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट द टोन ऑफ द कलर आई एम यूजिंग, द शेड ऑफ द कलर आई एम यूजिंग। इट नीड्स टू बी अ लिटिल राइट रेड बिकॉज इट रिप्रेजेंट्स जॉय, पैशन, सेंसिटिविटी, लव। अब ये चीज थोड़ी सी कूल हो गई। पिंक, अगेन घर में बेटी होती है सारे कपड़े पिंक हो जाते हैं, व्हाई? बेटा हो रहा तो सारे कपड़े ब्लू हो जाते हैं, व्हाई? तो पिंक हमेशा फीमेल्स के लिए रिप्रेजेंट होता है, क्यों? ब्लू हमेशा मेल्स के लिए रिप्रेजेंट होता है, अगेन व्हाई? बिकॉज फ्रॉम हिस्ट्री एंड द यूज ऑफ कलर्स एंड द वे द कलर्स हैव बीन क्रिएटेड बाय अलमाइटी अल्लाह, हमें उसमें से यही इंफॉर्मेशन मिलती है। वही चीज, कोई चीज बेमकसद नहीं है। तो पिंक कलर रिप्रेजेंट्स सिग्निफिकेंस, रोमांस, लव, फ्रेंडशिप, इट डिनोट्स फेमिनाइन क्वालिटीज। ये हमें वो कलर देख के ही मिलता है। तो अब अगेन फिर फॉर एग्जाम्पल मैं जिम्नेजियम का लोगो बना रहा हूँ, ठीक है, हमारे घर के सामने कोई जिम्नेजियम खुला है। अब दे आस्क मी टू क्रिएट अ लोगो। अब बिकॉज जिम्नेजियम टिपिकली सपोज टू बी अ मैस्कुलाइन मेल जिम्नेजियम, तो मैं उसमें अगर पिंक यूज करूंगा तो इट वुड क्रिएट अ वेरी वेरी स्टूपिड सेंस, क्योंकि हमें पता है कि भाई पिंक जो है वो फीमेल्स के लिए इस्तेमाल होता है। हाँ, इफ इट इज सपोज टू बी अ फीमेल जिम्नेजियम, अब फिर मुझे वहां पर पिंक यूज करना मोर सेंस बनेगा। ठीक है, तो सी दिस सिंपल कलर से मेरे पास डेटा क्या कितना एक 360 डिग्री का टर्न आ जाता है। सो दिस इज व्हाट वी नीड टू बी वेरी केयरफुल ऑफ, कि व्हाट इज माय प्रोजेक्ट, व्हाट इज माय प्रोडक्ट और व्हाट इज माय कलर्स दैट आई एम गोइंग टू रिप्रेजेंट विद दैट प्रोडक्ट। तो फिर मैं थोड़ा सा अपना डिजाइनिंग उसको बड़ा केयरफुल कर पाऊंगा। तो पिंक बिकॉज रिप्रेजेंट्स फीमेल कॉन्सेप्ट, तो अगर मैं फीमेल जिम्नेजियम बना रहा हूँ तो उसके लिए मुझे पिंक यूज करना पड़ेगा, अच्छा लगेगा एंड वो फिर सेंस भी बनाएगा। लेकिन अगर मेल के लिए मैंने पिंक यूज किया तो वो कॉन्सेप्ट ही नहीं मैटर है। व्हाई? बिकॉज हमें ये एक चीज पता है, पिंक रिप्रेजेंट्स फेमिनाइन, तो वो डेटा मौजूद है कुदरत की तरफ से, इस कलर में वो डेटा मौजूद है। डार्क रेड इज एसोसिएटेड विद विगर, विल पावर, रेज, एंगर, लीडरशिप, करेज, लॉन्गिंग, मैलाइस, रात। सी अगेन, सारे नेगेटिव टर्म्स आ गए, बड़े स्ट्रॉन्ग। तो रेड भी कौन सा शेड का? रेड
अगर आपने उसको बहुत गहरा डार्क रेड कर दिया तो वो विगर को, गुस्से को, विल पावर को, इस चीज को शो करता है, ठीक है। हाँ, इसको फिर मैं फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे किसी लॉ फर्म के लिए बनाना है तो शायद मैं डार्क रेड्यूस करूं, बिकॉज वो लीडरशिप, करेज, विल पावर को शो कर सकता है। मैं मस्कुलाइन जिम्नेशियम बना रहा हूँ उसके लिए, अगेन मेल के लिए, तो मैं डार्क रेड का इस्तेमाल कर सकता हूँ। गिव मी दैट काइंड ऑफ अ कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो इसी दिस तो कलर से ही मुझे डेटा मिल रहा है, एंड दिस इज वॉट वी नीड टू बी वेरी केयरफुल ऑफ। ब्राउन सजेस्ट स्टेबिलिटी, डिनोट्स मैस्कुलाइन क्वालिटीज, तो ब्राउन इटसेल्फ मैस्कुलाइन क्वालिटीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। मींस अगेन, अगर मेल जिम्नेशियम में कैन बी वेरी गुड थिंग फॉर दैट, रेडिश ब्राउन इज एसोसिएटेड विद हार्वेस्ट एंड फॉल। तो वही अगर मेरी कोई फर्म है जो कि फॉर एग्जाम्पल एग्रीकल्चर फर्म है, उसका लोगो बनाना है, तो मैं ब्राउन, रेडिश ब्राउन, जो गोल्ड ब्राउन कलर कहलाता है, जो वीट का कलर है, हम उसको ज्यादातर इस्तेमाल करते हैं ताकि हम हार्वेस्ट को, खेती बाड़ी को, उसको दिखा सकें। मैं कोई प्रोडक्ट बना रहा हूँ जो कि फॉर एग्जाम्पल एग्रीकल्चर के लिए या उसके लिए फर्टिलाइजर्स के लिए कोई बना रहा हूँ, ठीक है, मेरे तो उसके लिए फिर आई विल ट्राई टू यूज दिस काइंड ऑफ रेडिश ब्राउन काइंड ऑफ अ कलर। ओके, सो दिस इज बेसिकली व्हाट वी रिप्रेजेंट इन टर्म्स ऑफ कलर इंफॉर्मेशन। इसी तरह से ऑरेंज हो गया, ओके, और बाकी कलर्स हो गया। नाउ वी हैव लेस देन 1 मिनट लेफ्ट, तो आई विल जस्ट एंड द सेशन हियर, और फिर यहां से इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। डू लेट रीड द नोट्स, मैंने इसको आपके LMS पोर्टल पे अपलोड कर दिए हैं, ठीक है, और फिर इंशाल्लाह यहां से